¿Por परमेश्वर की स्तुति हो शालोम शालोम आई ग्रीट यू ऑल इन द मैच जीसस क्राइस्ट मैं परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ और एक बार मैं फिर से बहुत ही खुश हूँ आप सबके सामने आकर विद दिस प्रोग्राम इस कार्यक्रम के साथ लर्न लर्न आई गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर और मैं सारी आदर और सारी मेहमा टूअर ऑल माई टी ग्ड हमारे महान परमेश्वर को देता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हिस लविंग काइंडनेस और ये केवल उसकी जो प्रिय दया के कारण है ऑफिस फेथफुलनेस uh, और उसकी विश्वास योग्यता के कारण यू ऑल कि मैं आप सबके सामने आने के योग्य हो सका हूँ ताकि आपको इस बाइबल की भाषा को सिखा आई गिव व्यूअर्स और मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ योर लव आपके जो प्रेम के लिए वॉचिंग दिस प्रोग्राम इस कार्यक्रम को देखने के लिए ऑल्सो ऑफ योर जीन और आपके उत्साह के लिए इन लर्निंग द बिब्लिकल लैंग्वेज विच इज दिब्रो लैंग्वेज बाइबल की भाषा को सीखने के लिए जो कि है भाषा uh, जो मुझे कॉल करते हैं अपने फीडबैक को और अपने सुझावों को भेजते हैं इवन फॉलोइंग ऑफ दिस प्रोग्राम इन यूट्यूब और जैसे कि वो यूट्यूब के द्वारा भी इस कार्यक्रम को देखते हैं एंड ऑल्सो गिविंग अस योर कमेंट्स बाई वॉचिंग द प्रोग्राम इन दूट्यूब चैनल जैसे कि आप YouTube में इस कार्यक्रम को देखते हैं और अपने कमेंट्स को हमें भेजते हैं बिकॉज इन द यू कैन हैव ऑल है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑन अबाउट दिब्रो लैंग्वेज और जो YouTube में आप जो सारे शुरुआती के कार्यक्रमों को देख सकते हैं यू कैन सी ऑफ ऑल वेरी फर्स्ट एपिसोड टिल द अपडेटेड episodes. और आप जो शुरू से लेके अब तक के जो कार्यक्रमों में उसे देख सकते हैं सो यू कैन फॉलो द और आप उन्हें देखें एंड यू कैन लर्न फ्रॉम देम और आप उनसे सीख सकते हैं एंड एनरिच यूर सेल्फ इन द नॉलेज ऑफ गॉड और परमेश्वर के वचन में अपने आप को बढ़ा सकते हैं वेल वी हैव बीन लर्निंग अबाउट जैसे कि आप जानते हैं कि हम सीख रहे हैं सो वी आर लर्निंग अबाउट द बिब्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सिंह और हम सीख रहे हैं पाप के लिए बाइबल की अवधारणा को एज इन द लास्ट एपिसोड और जैसे कि पिछले कार्यक्रम में और हमने देखा कि जो बाइबल में बीस शब्दों का उपयोग किया गया है पाप के लिए एंड दैट इज इन ओल्ड टेस्टमेंट और जो पुराने नियम में एंड इन द न्यू टेस्टमेंट और नए नियम में सो इन द ओल्ड टेस्टमेंट वी सी देर आर एट डिफरेंट वर्ड आर यूज फॉर द वर्ड सिन और जो हम देखते हैं कि पुराने नियम में आठ शब्दों का उपयोग किया गया है पाप के लिए एंड देन वी सी अबाउट द ट विच आर यूज in uh, for the word sin in the New Testament. और जो नए नियम में पाप के लिए बारह शब्दों का उपयोग किया गया है. As the Bible is written in three different in three languages. और जैसे कि आप जानते हैं कि बाइबल को तीन जो अलग भाषाओं में लिखा गया है. Hebrew, Aramaic and Greek. और वो है इब्रानी, यूनानी और अरामिक. So now we know we come here about eight different words. वर्ड इन दिब्रो लैंग्वेज और यहाँ पे हम देखते हैं की आठ उन अलग शब्दों को जो की लिए उपयोग किए गए जैसे की मैंने पिछले कार्यक्रम में आपको बताया बाइबल और बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें जो अलग शब्दों को देखते हैं सो टूडेट लर्न अबाउट दिस यू नो दर्ड्स विच आर यूज फॉर द वर्ड सिन इन दस्टमेंट और आज हम जो पुराने नियम से कुछ वचनों को देखेंगे और उन शब्दों को देखेंगे जो कि पाप के लिए उपयोग किए गए हैं। सो द वेरी फर्स्ट वर्ड और जो पहला शब्द है that we find in the Bible is sin. और जो पाप के लिए हम बाइबल में पाते हैं और sinner और वो है जो पाप या फिर पापी सो so, दर्ड sin and sinner. और जब बाइबल में हम देखते हैं कि पाप और पापी एंड लेट अस सी व्हाट एक्चुअली द वर्ड इन द बाइबल और हम जो बाइबल के आधार पे देखते हैं कि जो पाप का असल में जो अर्थ क्या है व्हेन वी रीड इन द ओल्ड टेस्टामेंट और जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं एंड दिस इज द वर्ड ऑफ सिन व्हिच इज यूज्ड टू 122 टाइम्स इन द बाइबल और बाइबल में हम देखते हैं कि उसे 522 बार उसका उपयोग किया गया है वर्ड सिंह और ये जो शब्द है पाप और वर्ड सिंस और या फिर जो पाप एंड दिस इज दर्ड इज यूज टू फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू टाइम इन दस्टिमेंट और पुराने नियम में जो उसका उपयोग 522 बार किया गया है नाउ लेट अस सी व्हाट द वर्ड सिन इन दिब्रू लैंग्वेज और देखेंगे कि ब्रानी भाषा में पाप को क्या कहते हैं द वर्ड दट वी सी इट इज द वर्ड फॉर सिन इन दिब्रू लैंग्वेज और जो इब्रानी भाषा में पाप के लिए जो शब्द है इट इज दर्डा और वो शब्द हैथ like, you know, और ये हैथ विच इज सी जो की सी हे फाथा पाटा एंड देन सी इट इज एस और फिर हम देखते हैं comics, और फिर कामिक्स

हेत विच इज सी एच हेत जो की है यहाँ पे सी एच पाथा विच इज ए पाथा जो की है ए एंड थे विच इज टी टेत जो की है टी कमिक्स विच इज ए कामिक्स जो की है ए एंड आलिफ विच इज नो साउंड इट इज अ साइलेंट और आलिफ जिसका कोई आवाज नहीं सो खथा कथा खथा कथा विच मीन्स जिसका अर्थ है इन द द मीनिंग ऑफ इट और इसका जो अर्थ है इट इज मिसिंग The mark. और जिसका अर्थ है कि जो अपने निशाने से भटक जाना इट इज असिंग द मार्क और अपने जो निशाने से भटक जाना दिस इज मिस्ंग द मार्क और जो अपने निशाने से भटक जाना और इवन वी से दिस वन एज और इस तरह से भी हम इसे कह सकते हैं न से दिस वन एस मिसिंग द मार्क और इस तरह हम इसे कह सकते हैं कि अपने निशाने से भटक जाना और अन इंटेंशनल सिन और या फिर अनजाने में किया गया पाप और इट इज टू से क्राइम और फॉल्ट और इसे हम कहते हैं अपराध या फिर दोष सो यू नो इट इज द वर्ड खटा इट इज ग्रीक वर्ड दैट वी सी इट इज एस अमाटिया और जो यूनानी भाषा में इसके लिए जो शब्द हम देखते हैं वो है अमाटिया 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 और इवन खटा और या कटा विच इज द सेम मीनिंग और दोनों का जो समान अर्थ है इट इज मिसिंग द मा और अपने जो रास्ते से भटक जाना सो इट इज अ गॉड एट सेट अ मार्क और परमेश्वर ने एक मार्क को जो स्थिर किया और यू नो यू सी अबाउट एन शूटर और आप उसे देख के उसे जो निशाना लगाना है नो द पर्सन द वन हु शूट्स और एक व्यक्ति जो निशाना लगाता है एंड यू नो इट इज यू नो इवन दो द बोर्ड इज दिस मच बिग और यहाँ पे जो देखें कि बोर्ड चाहे बड़ा है बट नो ही ओनली टारगेट वेर ही शुड शूट लेकिन वो उस जो चिन्ह को बताता है जहाँ पे उसे जो निशाना लगाना है सो यू नो इफ यू आर एन एग्जाम्पल इन सी दिस इज द प्लेस और आप देखें कि जो उदाहरण के लिए ये वो जगह है एंड फ्रॉम फार दैट यू नो यू एम और यू शूट और दूर से आपको यहाँ पे जो निशाना लगाना है सो इट इज लाइक टू से नो यू हैव टू योर एरो शुड कम हियर और जो आपका तीर है वो इस जगह पे लगना चाहिए बट ऑफ दिस इफ इट इज गोस हियर एंड देयर और यदि वो इस प्रकार से इधर उधर चला जाता है इट इज नॉट दैट यू नो यू हैव नॉट डन अ प्रॉपर थिंग और आपने उसे जो सही रीति से नहीं किया सो इन द सेम मैनर और इसी प्रकार से लाइक यू नो गॉड सेट अ गोल फॉर अस और परमेश्वर ने हमारे लिए एक निशाने को रखा गॉड सेट अ टारगेट इन फ्रंट ऑफ अस और परमेश्वर ने हमारे सामने एक उद्देश्य को रखा गॉड सेट एन ऑर्डर फॉर रस और हमारे सामने एक जो रीति को रख, so, रखा इट इज अबाउट एमिंग टू द टारगेट और हमारा जो उद्देश्य है वो निशाने पे होना चाहिए आई रोज शुड खम एंडारगेट विच इज सेट बिफोर रस और जो तीर उसी जगह पे लगना चाहिए जो की निशाना हमारे सामने रखा गया है so, और इसीलिए यहाँ पे जो शब्द है कटा खटा कटा विच इज असिंग द मार्क और जिसका अर्थ है कि निशाने से चूक जाना सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और ये बहुत ही जरूरी बात है दैट यू नो फॉर एवरी थिंग दैट गॉड सेम और टारगेट और परमेश्वर ने हर एक चीज का जो एक निशाना रखा है आई नो इन द बाइबल और बाइबल में हम देखते हैं दैट यू नो वी सी और हम जो देखते हैं मोजस मूसा हू वॉस पीपल ऑफ इसराइल फॉर फोर्टी और मूसा जो इसराइल के लोगों के साथ चालीस साल तक था एंड ई लेड द पीपल ऑफ इसरायल और उसने जो उनकी अगुवाही की इन द विल्डरनेस और जंगल में टुवर्ड्स द प्रोमिस ताकि वो जो वायदे की भूमि में जा सके ही टॉलरेटेड विद और उनके साथ उसने बहुत बातों को सहा एंड प्रेड फॉर देम और उनके लिए जो प्रार्थना किया एंड नो ही Was with them, and you know we see that you know just a small mistake that he have done. Or usni choti si galti The mistake is that God told him to go and speak to the rock. और परमेश्वर ने उसे कहा था कि वो जाए और जो चट्टान से बात करे एंड फ्रॉम दट रॉक दैट यू नो दिल गेट द वाटर टू ड्रिंक और उसमें से उन्हें पानी मिलेगा पीने के लिए बट बिकॉज ऑफ इम्पेश के कारण एंड मोज एंड द रॉक ट्वाइस और जो, जो, जो मूसा गया और उसने चट्टान के ऊपर दो बार मारा नो ही हिट ऑन द रॉक फॉर टू टाइम्स और उसने चट्टान के ऊपर दो बार मारा वॉटर केम और जो पानी आया पीपुल ड्रैंक और लोगों ने उसे पिया एंड इवन द एनिमल्स यू नो दे और जो सारे जानवर और जो पशु थे सबने पिया बट लेकिन गॉड वॉज एंग्री अपॉन मोजस लेकिन जो परमेश्वर मूसा के ऊपर नाराज था मोजस लाइक यू नो ही है ट्रॉक ट्वाइस वॉड टोल्ड इम टू स्पीक बट यू नो ही है और परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि वो केवल चटान से बात करे लेकिन जो मूसा ने चटान के ऊपर दो बार मारा एंड यू ऑल नो सभी जानते हैं कि इसका जो परिणाम क्या हुआ गा टोल्ड हिम और परमेश्वर ने उसे कहा यू आर नॉट गोइंग टू एंटर इन टू द प्रोम लैंड की तू वायदे की भूमि में प्रवेश नहीं करने पाएगा यू कैन सी और उसे देख सकता है यू कैन सी द प्रोमिस और तू जो वायदे की भूमि को केवल देख सकता है फ्रॉम माउंट नेबो और जो पर्वत नेबो से यू कैन सी और केवल देख सकता है बट यू कैन नॉट एंटर और लेकिन तू उसमें प्रवेश नहीं करेगा बिकॉज ही मिस द मार्क क्योंकि उसने अपने निशाने से जो भटक गया सो दैट्स व्हाट यू नो द बाइबल सेज दैट यू यू नो मे बी थिंकिंग इट इज अ स्मॉल थिंग और इट्स मे बी अ स्लाइट थिंग बट वन गॉड सीज इट्स गॉड सीज इट्स बेग और जैसे कि आप कई बार सोचते हैं कि कोई बात नहीं ये छोटी गलती है छोटा पाप है लेकिन हमेशा याद रखे कि परमेश्वर के लिए ये बातें बड़ी हैं। यू से इट इज स्म थिंग और आप कह सकते हैं कि एक ये छोटी ये बात है इट्स स्मॉल लाई और ये जो ये जो छोटा झूठ है इट्स स्मॉल थिंग दैट आई टेकन और ये बहुत सी छोटी बात है जो मैंने की है इट इज ओनली स्मॉल थिंग दैट आई टुक फ्रॉम देयर और बहुत सी छोटी चीज है जो मैंने वहाँ से ली है बट द बाइबल से लेकिन बाइबल कहती है इट इज एस खटा और वो जो कथा है इट इज अमाथिया और वो जो पाप है विच इज मिसिंग द मार्क और जो कि अपने निशाने से चूक जाना है बिकॉज दिस वर्ड खा और ये जो शब्द है कथा डिराइड और ये जो इसका जो उत्पन्न हुआ है इट इज डिराइड फ्रॉम द हिब्रू वर्ड और ये जो इब्रानी भाषा के शब्द से आया है से इट इज एस और उसे हम कहते हैं काउटाउ खाउठाओ Cow tau cow cow which is calf cow cow and then tau or fit tau cow tau cow Khao, tau calf calf which is k h joki k h and then comics orfi comics which is a jo ki hai a and wow which is w. wow joki he w and then we see about मकेफ विच इज हाइफेन इन इंग्लिश मकेफ जो की अंग्रेजी भाषा में हाइफेन है एंड देन इज टी और टाव जो की टी है एंड देन अगेन का और फिर कामे विच इज ए और जो की है ए एंड देन वाव विच इज डब्ल्यू और वाव जो की है डब्ल्यू सो दिस वर्ड खटा और ये जो शब्द है कठा इज डिराइड फ्रॉम दिस खाउ था और ये जो शब्द काव टाव से आया है। सो दिस वर्ड यू नो खा था और इसीलिए हम इसे इस प्रकार कहते हैं खा ठा सो दर्ट खाओ खाव सो विच मींस जिसका अर्थ है इट इज टू से और इस तरह से हम कहते हैं विच मीन्स इट इज टू से और इस प्रकार से हम इसे कहते हैं टू मिस और टू एर टू एयर फ्रम वर्क और टू सिन और टू स्टंबल दर्ड और ये जो शब्द है काउठाओ इज अ रूट वर्ड फॉर खाठा और इसका जो मुख्य शब्द है वो है काठा सो खाउटाव मीन्स और काउटाव का अर्थ है टू मिस खो देना टू मिस द और अपने जो निशाने से चूक जाना टू मिस द थिंग दिच इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ और उन चीजों से चूक जाना जो आपके सामने रखी है सो इट इज टू द अदर टू एयर फ्रॉम द वर्क और जो अपने काम से भटक जाना इट इज द वर्क दैट यू आर डूइंग और जो काम आप कर रहे हैं यू मिस्ड इट और आपने उसे खो दिया टू सिन और टू स्टम्बल और जिसका अर्थ है कि पाप या फिर जो चूक जाना गलती करना सो इट इज टू स्टम्बल और गलती करना सो इट इज टू से बाइबल से और इस तरह से कहते हैं कि बाइबल कहती है अ बिलीवर और एक विश्वासी शुड नॉट बिकम स्टम्बलिंग ब्लॉक टू अ वीक क्रिस्टन एक गलती करने वाला नहीं होना चाहिए अ बिलीवर और एक विश्वासी शुड नॉट बिकम ए स्टम्बलिंग ब्लॉक और दूसरे के लिए एक गलती करने वाला खड्डा नहीं होना चाहिए फॉर ए वीक क्रिस्टियन और एक जो कमजोर मसीही के लिए टू ए न्यू बिलीवर और या फिर एक नए विश्वासी के लिए यू शुड नॉट बिकम अ अटम्बलिंग ब्लॉक और दूसरे के लिए एक गलती करने वाला खड्डा नहीं होना चाहिए इफ यू रीड इन द फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर एट और यदि आप पढ़े पहला कुरंतियो अध्याय आठ को यू रीड द एंटायर चैप्टर और आप जो पूरे अध्याय को पढ़े देर यू नो वी सी दैट यू नो इफ यू become a stumbling block to a weak Christian and a the Bible says that you are sinning against our Lord Jesus Christ. और बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर के विरोध में पाप करते हो You are sinning against our Lord Jesus Christ. और आप हमारे परमेश्वर के विरोध में पाप करते हो। Okay, so the first word that we see in the Bible for sin। और जो बाइबल में हम पहला शब्द जो पाप के लिए देखते हैं इट इज खटा और इब्रानी भाषा में वो है कठा। खटा कठा। विच मीन्स मिसिंग द मार्क और जिसका अर्थ है कि अपने निशाने से चूक जाना सो दट री इम्पोर्टेंट थिंग दैटेट वेट बिफोर यू और इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप देखें और हैं जो परमेश्वर ने आपके सामने रखा है टारगेट और वो उद्देश्य The गोल और एक निशाना the destiny. और एक दिशा दट गॉड इिड गॉड और वो बातें जो परमेश्वर ने वचन में कही है Am I क्या इन देंटर ऑफ गॉड्स will. और क्या मैं परमेश्वर की इच्छा में हूँ? Am I focusing in the center of God's will? और क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा हूँ? If I am not doing that, और यदि मैं उसे नहीं कर रहा, you may be thinking that you know I am aiming. और शायद आप सोचते होंगे कि मैं उसके ओर निशाना लगा रहा हूँ। I am shooting. और मैं उसे जो निशाना oh, कर रहा हूँ। it is coming near. और ये बहुत ही पास है इट इज कमिंग वेरी नियर और ये बहुत ही पास में है इट्स वेरी वेरी नियर और ये बहुत ही नजदीक है बट लेकिन गॉड से परमेश्वर कहता है इट इज नॉट दैट नो अराउंड टू एरो और नीड टू फोकस और परमेश्वर कहता है कि तुम्हें उस निशाने की ओर देखना है ना कि उसके चारों ओर इट इज नॉट अबाउट अराउंड और ये जो घेरा नहीं विथ इन टारगेट और उस जो निशाने के ऊपर इन द टारगेट निशाने के ऊपर सो द अदर वर्ड फॉर खटा और जो दूसरा शब्द है खटा के लिए इट इज अन इंटेंशनल सिंह और वो है जो अनजाने में किया गया पाप इट इज अन इंटेंशनली और वो है जो अनजाने में किया गया विदाउट नोइंग यू और बिना आपके जो जाने हुए यू आर committed that sin. और आपने उस पाप को किया. That's what you know. It is without intention. और वो है जो अनजाने में. And the word again we see about katha, which means a crime. और जो कटा का अर्थ है कि जुर्म. It is a crime that you are doing. और वो जो अपराध जो आप करते हैं. You है। may say that you no, know, what crime I have done. और आप सोचते होंगे कि क्या अपराध मैंने किया. Moses might could have say that you no, know, I just bet on the rock. और मोजेस और मूसा इस तरह से कह सकता था कि मैंने केवल जो उस चट्टान के ऊपर मारा था बिकॉज आई वॉज इम्पेश मैं जो इंतजार नहीं कर सकता था आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि मैं जो खिंच गया था बिकॉज द पीपल ऑफ इसराइल देवेर मरमरिंग मरमरिंग एंड मरमरिंग क्योंकि जो इज़राइल के लोग थे वो कुड़कुड़ाने लगे थे इसीलिए उसने जो अपने नियंत्रण को खो दिया बट द साइट ऑफ गाड लेकिन वो परमेश्वर की निगाह में पाप था दट वॉज अ फॉल्ट इन द साइट ऑफ गाड और वो था जो परमेश्वर की निगाह में किया हुआ दो दर्ड खटा और ये जो शब्द है कटाइ डिराइड फ्रॉम इन दिब्रो लैंग्वेज काउ और ये जो इब्रानी भाषा के शब्द काउ से आया है व्हिच मींस टू मिस और जिसका अर्थ है कि जो खो देना टू एरर फ्रॉम द वर्क और जो अपने काम से भटक जाना इट इज टू सिन और पाप और टू स्टंबल और या फिर जो चूक जाना या गलती करना सो दैट इज व्हाट यू नो द फर्स्ट वर्ड दैट वी सी अबाउट द वर्ड sin और ये जो पहला शब्द हमने देखा पाप के लिए आई आई बिलीव नाउ और मैं आशा करता हूँ की यू आर एबल टू नो वट इज सिन और आप जो जान पा रहे होंगे की पाप क्या है वट इज सिन और पाप क्या है सिन इज और जो पाप है मिसिंग द मार्क और जो अपने निशाने से चूक जाना इट्स टू मिसिंग द मार्क वॉट गॉड एव और उस निशाने से चूक जाना जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है एंड दैट सिन और वही पाप है एंड वी नो दानते हैं द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ और जो पाप का परिणाम मृत्यु है दिन इज डेथ द बाइबल से इन रोम सिक्स ट्वेंटी थ्री और रोमिया अध्याय छ का तेईस में है कि जो पाप का परिणाम मृत्यु है एंड फर्स्ट जॉन चैप्टर वन और जो पहला ये होना उसका अध्याय एक 7 10, और सात से लेकर दस तक बाइबल से बाइबल कहती है नो वन शुड थिंक दैट आई एम नॉट सिनर और कोई भी इस प्रकार से ना सोचे कि मैं पापी नहीं हूँ इफ यू थिंक लाइक दैट और यदि आप इस प्रकार से सोचते है बाइबल से लायर और जो बाइबल कहती है कि तुम झूठे हो यू आर ए लायर और तुम झूठे हो सो इट मीनस दैट यू मेक यू एज अ liar एंड यू मेक गॉड एज अ liar. और आप इस प्रकार से बनाते हैं कि आप सच्चे हैं और परमेश्वर झूठा है सो यू मेक गॉड एज अ liar. और आप जो परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं बाइबल says और बाइबल कहती है यू आर a सिनर और आप पापी हैं बिकॉज वेन यू रीड द बाइबल और या, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं द बाइबल शोज दैट यू आर ए सिनर एंड यू नीड ए सेवियर और बाइबल बताती है कि तुम पापी हो और तुम्हें उधार की जरूरत है That's what in First John chapter one it, it says. और इसीलिए जो योहन्ना एक में लिखा है Confess. और जो अंगीकार करें योर सिंस अपने पापों का एंड

और ये शब्द हम देखते हैं जिसका अर्थ है कि पाप. और ये जो शब्द है ये 522 बाईस बार इसका उपयोग किया गया है पुराने नियम में सो पर्टिकुलरली इट्स इन देंट और खास तौर पे पुराने नियम में सो एंड इट इज वॉट इज सिन और पाप क्या है इट इज मिसिंग द मार्क और ये है निशाने से चूक जाना चाहते हुए यू वॉन्ट टू डू इट और इस प्रकार से नहीं किया चाहते थे इसलिए आपने किया बट इट इज वायर यू है लेकिन आपने इसे जो अपने अनजाने में ही कर दिया सो दू नो आई मैंने आपको जो मूसा की उदाहरण दी है और वो उसे मारना नहीं चाहता था लेकिन जो उसने अपना नियंत्रण खो दिया और उसने जो चट्टान पे मारा बिकॉज दीपुल्बल फॉर हिम क्योंकि वहाँ पे जो लोग उसके लिए जो एक चूक का कारण बन गए थे बिकॉज so मरमरिंग और क्योंकि वो कुड़कुड़ा रहे थे और जैसे कि आप सब जानते हैं कि गिनती की किताब। बुक ऑफ murmuring। और उसे कहा जाता है कुड़कुड़ाने की किताब। मोस्ट ऑफ द चैप्टर पीपल एंड दे complained। और आप देख सकते हैं कि उसके ज्यादातर अध्याय में जो लोग है, वो कुड़ हैं वो कुड़कुड़ाते हैं बिकॉज ऑफ that। और इसी के कारण

अपॉर्चुनिटी सो इन द सेम मैनर यू मिस द थिंग्स इन लाइफ और इस प्रकार से आप कहते हैं की मेरी गाड़ी छूट गई मेरी बस छूट गई मतलब आपने कुछ खो दिया है सो इट इज द सेम वे दट यू मिस the target what God set before you. और आपने उस जो निशाने से चूक गए जो परमेश्वर ने आपके सामने रखा है सो आई बिलीव दुडेज प्रोग्राम इज अ ब्लेंग टू ऑल और मैं आशा करता हूँ कि आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीष का कारण होगा कंटिन्यूअसली वॉच दिस प्रोग्राम और लगातार इस कार्यक्रम को देखते रहें एंड प्रे फॉर अस और हमारे लिए प्रार्थना करते Give रहें गिव अस योर सजेशंस एंड फीडबैक्स और अपने सुझावों को अपने फीडबैक को हमें भेजें मे द लॉर्ड ब्लेस यू यू एंड बी विद ऑल और परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप सबके साथ हो शालोम शालोम ताउ तोड़ा ताउ तोड़ा